इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में निगरानी ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर छापा पड़ा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि छापे में घर में अब तक 60 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए इसके लिए मशीन मंगवाई। कैश के अलावा जेवर और जमीन के करीब 10 कागजात भी बरामद हुए हैं। ये घर एक इंजीनियर का है जिनका नाम रविंद्र कुमार है। आप जरा कैश देखिए, भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। करोड़ों की जमीन के कागजात बरामद हुए हैं। इतना ज्यादा कैश, 60 लाख से ज्यादा कैश देखिए बैगों में भरा हुआ है। इसे मैन्युअली गिनना मुमकिन नहीं था, इसलिए नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई। संवाददाता नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट देखिए। में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर के घर छापा पड़ा। आप देखिए, यहाँ पर टीम आई हुई है और यहाँ छापेमारी चल रही है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं और कैश भी बरामद हुआ है, और कैश की गिनती यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए, यहाँ पर इस कमरे में करीब अभी तक 60 लाख से अधिक कैश की बरामदगी हो चुकी है, और कैश इतना अधिक है कि यहाँ पर मशीन मंगाई गई है। आप देखिए, यहाँ पर इसमें यहाँ एक बैग में यहाँ भी कैश भरा हुआ है, और चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में कैश है इसलिए अभी यहाँ पर लगातार गिनती चल रही है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र कुमार के घर पर यह छापेमारी चल रही है, पटना के पुनाईचक मोहल्ले में। इससे पहले ये हाजीपुर में पदस्थापित थे और अभी हाल ही में इनका स्थानांतरण हुआ था। ये पुल निर्माण निगम में अभी उनकी पोस्टिंग है। यहाँ DSP हैं विजिलेंस के। ये बताइए कि अब तक कितना कैश मिल चुका है आप लोग? 60 लाख से ऊपर कैश बरामद हुआ है और ये गिनती जारी है, और करीब 20-25 लाख का जेवरात है। सर्वेयर को बुलाया गया है, अब वास्तविक कितना कीमत है वो बताएंगे। 20-25 पासबुक वगैरह है, इतना की आज की बरामदगी है। जमीन के कागजात? जमीन इनके खिलाफ DA का मामला चल रहा था, जांच के क्रम में आय से अधिक मामलात में करीब 1.5 करोड़ का संपत्ति ज़्यादा पाया गया, और सर्च वारंट लेके आज सर्च किया जा रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें बरामदगी हुई है। तो एक बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि विजिलेंस डिपार्टमेंट की, चूँकि पटना के पुनाईचक इलाके में एक पौश इलाके में इनका आवास था, वहाँ पर घर में इतनी रकम यहाँ से बरामद की गई है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि अभी ये जो गिनती है अभी देर रात तक जारी रहेगी, काफ़ी समय लगेगा, संपत्तियों का जो मूल्यांकन है अभी आगे भी होगा, और फिलहाल जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो जाहिर हैरान करने वाली हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया TV, पटना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।